एकनाथ शिंदे का अस्तित्व होगा खत्म, कांग्रेस ने किया ऐलान। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शनिवार को कहा कि राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम महाविकास अघाड़ी होगा तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह होगा। पाटिल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह महसूस करते हैं कि बीजेपी अपने चुनाव निशान पर विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विकास प्रकट किया कि शिंदे गुट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बता दें कि एनसीपी नेता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब मुकाबला बीजेपी एवं एमवीए के बीच होगा तो शिंदे गुट बरकरार रहेगा। उद्धव ठाकरे ने अगुवाई वाले शिवसेना, धड़े, राकपा और कांग्रेस के एमवीए सरकार पिछले साल शिंदे के अविभाजित शिवसेना से अलग हो जाने के बाद गिर गई थी। उसके बाद शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिवसेना की मान्यता दी और उसे चुनाव निशान तीर धनुष आवंटित किया। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि बीजेपी स्थानीय राजनीतिक संगठनों का अस्तित्व नहीं चाहती है और वह उनके विकास विरोध है। राकपा नेता ने कहा कि बीजेपी ने छोटे दलों, सहयोगियों या प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने के लिए काम किया है। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है छोटे दलों को अस्थिर करना ताकि वह उनकी वोट हिस्सेदारी का हथिया सके। उन्होंने कहा कि यदि शिंदे गुट तब तक बना रहता है तो बीजेपी आखिरी में उसे 48 सीट पर लड़ने दे सकती है और उसे सह सकती है और कह सकती है तो आपके 5 या 6 प्रत्याशी ही जीत सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखने वाली बात है कि ये एजेंडा कब तक चलती है और कितने सीट मिलते हैं बीजेपी को, वो देखने वाली बात है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, निश्चित कमेंट बॉक्स हमें कर सकते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।